Hello students, how are you? I hope you all are good. Students, yesterday I taught you about word problem of addition. Today I will teach you about word problem of subtraction. ठीक है, कल हमने जो है वर्ड प्रॉब्लम सीखी थी एडिशन की, आज मैं आपको सब्ट्रैक्शन समझाऊंगी. ठीक है बच्चों, कई बार वर्ड प्रॉब्लम जब बच्चे पढ़ते हैं उन्हें बहुत हार्ड लगता है, उन्हें लगता है ये बहुत हार्ड क्वेश्चन है, नहीं हो पाएगा. लेकिन ऐसा नहीं होता है. अगर आपको बस ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई एंड डिवाइड ही करना है, लेकिन उससे पहले आपको उस जो लिखा हुआ है उसका मीनिंग आना चाहिए. ठीक है, स्टेटमेंट की मीनिंग आनी चाहिए. और एक बार कई बार बच्चे जो है टोटल एंड लेफ्ट ये दो चीज़ें देखते हैं क्वेश्चन में और उसके अकॉर्डिंग ये ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं. ठीक है, जहाँ टोटल होता है वहाँ आपको ऐड करना होता है और जहाँ लेफ्ट होता है वहाँ माइनस. लेकिन कई बार क्वेश्चंस में बेटे ये जरूरी नहीं है कि टोटल और लेफ्ट गिवन हो, तो तब आपको जो है अच्छे से स्टेटमेंट को पढ़ना है, उसका मीनिंग बताना है और फिर उसके बाद ही सॉल्यूशन करना है. ठीक है, यहाँ पर एक क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है, सब्ट्रैक्शन के कर रहे हैं हम आज. सुमित है 2895 मैंगोज. उसके पास सुमित के पास मैंगोज थे कितने, 2895. ही सोल्ड 1098 ऑफ देम. देम मतलब हम मैंगोज की बात कर रहे हैं, तो जितने उसके पास थे उसने कितने उसमें से सोल्ड कर दिए यानी बेच दिए, 1098. हाउ मैनी मीन्स होता है कितने मैंगोज आर लेफ्ट विद हिम. आर मतलब अब उसके पास जो है कितने बचे. लेफ्ट मतलब आपका यहाँ पर लेफ्ट मतलब आपको माइनस करना है, ये आपको देख के भी पता चल गया होगा और मीनिंग से भी आपको पता चल गया होगा. हमें बताना है अब कितने बचे हैं. 5 टॉफीज मेरे पास है, अगर 2 मैंने उसमें से ईट कर ली, खा ली, तो मेरे पास कितने बचे. हाउ मेनी टॉफीज आर लेफ्ट, तो 3 टॉफीज हम बताएंगे यानी हमने लेस कर दिया. तो वही यहाँ पर भी करना है, अब हम लेस करेंगे. तो स्टेटमेंट लिखिए, सबसे पहले सिर्फ पहली लाइन पहले पढ़ेंगे. सुमित है 2895 मैंगोज, यानी हम लिखेंगे सुमित हैड मैंगोज. कितने हैं बच्चों, 2895 इक्वल्स टू लगाएंगे. ठीक है, ही सोल्ड उसने कितने बेचे, 1098. ही सोल्ड, आप मैंगोज भी लिख सकते हैं एंड देम भी लिख सकते हैं, तो हम मैंगोज ही यहाँ पे लिख लेते हैं. ही सोल्ड मैंगोज कितने, वन, देखिए वन स्टैंड 100,000, वन स्टैंड 100,000. तो यहीं से लिखना शुरू करेंगे ताकि आपको जो है इजी लगे माइनस करना. इक्वल आप अच्छे से लगाएंगे, इक्वल्स टू के ही नीचे इक्वल्स टू लिखेंगे और डिजिट के नीचे डिजिट. अगर आप आगे पीछे लिखेंगे लेस करने में आपको बहुत डिफिकल्टी होगी. ठीक है, अब बताना है हाउ मैनी मैंगोज आर लेफ्ट विद हिम, यानी अब उसके पास कितने मैंगोज हैं. अब आप ये भी लिख सकते हैं सुमित है मैंगोज. ठीक है, आप ये भी लिख सकते हैं मैंगोज आर लेफ्ट. तो इजी स्टेटमेंट ही हम यूज करेंगे, हम लिखेंगे मैंगोज आर लेफ्ट. कोशिश कीजिए कि मीनिंग निकल ले और स्टेटमेंट छोटी ही हो. ठीक है, तो अब लेस कीजिए, 15 - 8 - 7. ठीक है, और 8 - 9 हम इसको बोरो दिया, अब यहाँ पे 8 है तो ये भी इससे बोरो लेगा, तो यहाँ पे 18 - 9 - 9. यहाँ पे 7 - 0 - 7, 2 - 1 - 1. ठीक है, अब ये जो है, अब मैं आपको एक क्वेश्चन सेकंड करवा रही हूँ. आपको मैंने एक चीज पहले भी बताई थी, आप वो ध्यान रखेंगे. अगर स्टेटमेंट बड़ी होती है बच्चों तो आप यहाँ को मत लिखना, इसके नीचे नहीं लिखेंगे, आप नेक्स्ट लाइन में लिखिए, लेकिन इक्वल के नीचे ही इक्वली लगाइएगा. ठीक है, आपको क्वेश्चन करने में बहुत इजी लगेगा. एक दूसरा क्वेश्चन में एक और समझा देती हूँ आपको. देखिए बच्चों, एक क्वेश्चन मैंने और लिखा यहाँ पर, जो है मैं लिख रही हूँ, देयर आर 4572 स्टूडेंट्स इन अ स्कूल. एक स्कूल में 4572 क्या थे, स्टूडेंट्स स्कूल में. ठीक है, आउट ऑफ देम यानी इतने में से 2461 क्या है, गर्ल्स. ठीक है, हाउ मैनी आर बॉयज इन द स्कूल, तो बताइए बॉयज स्कूल में कितने हैं. यहाँ कहीं भी देखो बच्चों लेफ्ट नहीं लिखा है, इसलिए मैं बोलती हूँ कई बार लेफ्ट नहीं भी लिखा हुआ होता है तो आपको तब मीनिंग अच्छे से आनी चाहिए. तो देयर आर यानी स्कूल की बात हो रही है, स्टूडेंट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने, 4572. आप ये भी लिख सकते हैं स्टूडेंट्स इन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ स्कूल, और आप डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट. ठीक
ठीक है, इजी स्टेटमेंट लिखिए इजीली, ताकि आपको अच्छे से टाइम भी आपका बचे और आपका मीनिंग भी निकले उस क्वेश्चन का. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 4572 एंड इन अ स्कूल. आउट ऑफ देम, देम मतलब इसकी बात हो रही, तो इतने में से इतनी क्या है गर्ल्स, यानी नंबर ऑफ गर्ल्स, नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हैं 2461. ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हाउ मैनी कितने हैं बॉयज इन द स्कूल, स्कूल में बॉयज कितने हैं, तो ये पूछ रहा है कि अगर इतने स्टूडेंट थे उसमें से इतनी गर्ल्स हैं तो बॉयज बताइए. अगर मैं आपको बोलूँ मेरे पास 10 टॉफी थे, 5 मैंने ईट कर ली, तो आप क्या करें, अब मेरे पास कितनी बची, क्या करूंगी मैं, 10 में 5 प्लस कर दूंगी या मैंने खाली वो हट गई ना, कम हो गई, तो हम लेस करते हैं. तो 10 माइनस 5 5, मेरे पास जो है मान लीजिए देखिए ये दो चीजें हैं. ठीक है, अगर ये मैंने अपने पास किसी को दे दिया, मान लीजिए ये रिमोट मैंने किसी को दे दिया, अब मेरे पास क्या रहा, सिर्फ एक मार्कर, यानी दो चीजों में से अगर एक हट गई तो अब मेरे पास एक ही थिंग रही, कम हो गई ना, तो जो है ऐसे ही हमने यहाँ पर भी करना है. अगर हमारे पास जो है, अगर हमें ये बताना है कि इतने नंबर टोटल स्टूडेंट थे, इतनी गर्ल्स थी, तो बॉयज बताने के लिए हमें टोटल में से गर्ल्स लेस कर देंगे और हमारा नंबर ऑफ बॉयज आ जाएगा. तो यहाँ पर हम ये लिखेंगे नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं, देखिए 2 माइनस 1 1, 7 माइनस 6 1, 5 माइनस 4 1 एंड 4 माइनस 2 2. तो ये देखिए कितना इजी है. तो आपको यही ध्यान रखना है, यहाँ ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है. आई होप आपको आज का वीडियो समझ आया होगा. कल मिलेंगे इन न्यू टॉपिक के साथ. एडिशन की मैं आपको करवा चुकी हूँ, सब्ट्रैक्शन की अब हम कल मल्टीप्लाई की करेंगे. अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट में बोल सकते हैं, मैं दोबारा भी आपको ये चीज़ समझा दूँगी. ओके, टेक केयर ऑल ऑफ यू.